अच्छा, भोजपुरी में सबसे आपको कौन सा गायक अच्छा लगता है? भोजपुरी में भी थोड़ा बहुत, भोजपुरी में खेसारी लाल यादव है। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी का गाना आपको बहुत अच्छा लगता है, और इसके बाद किसका गाना लगता है? शुरू शुरू में तो मैं ज़रा वो छलाई बैठ था उधर का, अच्छा तो शुरू शुरू में उसका कमर सब भजन चलता था, बहुत अच्छा लगता था उसका उसका भी गाते होते थे थोड़ा भजन। अच्छा बाद में फिर पवन सिंह सब भी ये सब आया, तो ये सब का भी थोड़ा अच्छा। उसके बाद फिर खेसारी लाल यादव को, उसका थोड़ा आवाज़ अच्छा लगता है, खेसारी सुनने में लाल, अच्छा। हाँ खेसारी यादव। खेसारी लाल तो क्या फैन है, तो आप उन्हीं का गाना सुन सुन के सीखे होंगे हाँ, सबसे ज्यादा, मतलब खेसारी लाल को फॉलो करते हैं आप, उसको ही फॉलो करते हैं, तो उसका आप ही गाना मुंबई में भी ज्यादा। रहते होंगे तो खेसारी लाल का गाना हम बजाते होंगे मोबाइल में। भोजपुरी भी गाते हैं और हिंदी भी गाना गाते थे। अच्छा, तो आप जैसे मुंबई में अगर मान लीजिए जिस कंपनी, सोनी कंपनी या सैमसंग कंपनी, जो भी कंपनी में आप काम करते होंगे, वहाँ के लोग, मुंबई के, दिल्ली के, बहुत सारे जगह के लोग वहाँ काम करते होंगे, तो आप बिहार के हैं, तो आप जब खेसारी लाल का गाना बजाते होंगे तो उन लोग कुछ बोलता नहीं होगा? वो लोग बोलते हैं कि कौन सा गाना गाता है, तो हिंदी हिंदी गाते तो कुछ नहीं, क्योंकि हिंदू तो नेशनल पूरा लैंग्वेज है, हर जगह वो गाना होता है। हाँ, भोजपुरी गाते तो उसको क्या मालूम, भोजपुरी उन लोग को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है भोजपुरी अच्छा, भाषा से। भाषा समझ में नहीं आता, लेकिन म्यूजिक उन लोग को हाँ अच्छा लगता होगा, धुन अच्छा लगता होगा, तो धुन सुन लेता होगा। चले चले, बहुत है, ऐसे ही भोजपुरी को बढ़ावा दीजिए, ऐसे ही आगे बढ़िए, साफ सुथरा गाना गाइए और मार्केट में नाम कराइए, करिए। क्या करते हैं आप? करते हैं, अभी काम करते हैं बाहर में, मुंबई में रहते हैं। अच्छा, बिहार को के मुंबई में क्यों रहते हैं जी? करते हैं कुछ तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, काम करते हैं तो काम का नाम होगा ना, जैसे मुंबई में आप रहते हैं तो आप मुंबई में क्या काम करते हैं? मुंबई में काउंटिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जापान से मटेरियल आता है, अच्छा वो हर जगह अपने इंडिया में हर जगह कंपनी में जाता है, अच्छा हर तो आप कस्टमर के टेक्निकल पास। डिपार्ट से हैं ना? यस, ओ, कितने तक पढ़े लिखे हुए हैं? 12 इंटर। इंटर मतलब पास हैं? यस, अच्छा, तो आप गाना कैसे गाना आपका मन विचार हुआ, आप टेक्निकल आदमी हो के मुंबई में काम करते हैं? गाना है जब शुरू से ही पढ़ रहे थे तो थोड़ा बहुत मन में गाने का इच्छा रहता था, गाते होते थोड़ा बहुत ऐसे ही अच्छा शुरू से, लेकिन पढ़ाई के पढ़ने में थे इसलिए थोड़ा उसको छोड़ के ये साइड नहीं आ सकते थे, इसलिए पढ़ाई की वजह से थोड़ा अच्छा तो वो आप छूट पढ़ाई गया। 12th कौन साल में पास किए थे, कौन से ईयर में? दो दस हजार 2012 में। तो 2010 में पास किए, तो गाना हाँ आज गाने का मन कैसे हुआ 6 साल बाद? ऐसे तो 3-4 साल तो बाहर में ही बीत गया, बाहर में जैसे साल में आते हैं एक बार, हाँ अच्छा, साल में आते हैं एक हाँ बार, तो वहाँ कम आते हैं, थोड़ा टाइम कम मिलते हैं सबका वो ध्यान अच्छा रखने के लिए। अच्छा तो परिवार में आपके सपोर्ट करने वाले कौन हैं, आप कौन पैसा लगाते हैं आपके ऊपर? सपोर्ट तो अभी मालूम भी किसी को वो सबको नहीं है, वो सबको बोले भी नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि वो सब ये सब चीज़ अभी ये सब चीज़ को घर में हमारे अभी अच्छा मनेगा भी नहीं और चाहेगा भी नहीं ये सब चीज़, तो आप अपने घर वाले को बताए भी नहीं हैं? नहीं बताए भी नहीं अगर वो। मान लीजिए जिस दिन आपका गाना आएगा, लोग हाँ देखेंगे नेट के थ्रू, घर वाले, तो उस दिन कैसे सामना करिएगा घर वाले का, आएंगे तो पता चल ही जाएंगे, लेकिन अभी उसको नहीं पता है। मतलब उनके लिए सरप्राइज है, मतलब छुपा करके आप रखे हुए हैं कि नहीं जाने, क्योंकि मैं जान जाएंगे तो क्या पता बाद हाँ, में। पहले बोल देंगे और कुछ अच्छा होगा नहीं तो फिर बेकार ना, इसलिए नहीं बोले ऐसे अच्छा, आप ही मुंबई में जब पहले। रहते हैं, मुंबई में काम करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं, वहाँ नहीं लगता होगा कभी कमी खलता होगा, नहीं काश यही काम बिहार में करता तो गाने भी गाते नहीं, रहता? वहाँ भी जैसे टाइम बचता है ना तो थोड़ा बहुत टाइम पास गाना वाना गाते हैं ऐसा, अच्छा, तो तो वहाँ भी मालूम नहीं गाते? लगता है, थोड़ा बहुत गाना वाना गाते टाइम पास हो जाता अच्छा, है। ज़्यादा आपको मन कहाँ लगता है, मुंबई में मन लगता है या बिहार में मन लगता है, अपने गांव में कहाँ मन लगता है? मुंबई तो जहाँ सबसे पहले जन्म हुआ है जहाँ, तो वहाँ ही मन लगा, लेकिन अब रह रहे हैं तो वहाँ भी मन लग रहा है बहुत। मतलब अगर आपको, अगर दिल से पूछा जाता है आपको, मतलब बिहार में ही रहने का मन करता है ना, लेकिन आप मजबूरी के कारण आप मुंबई में हैं, तो आप अभी अब मुंबई में ही दिल लगा लिए, इसलिए मुंबई में ही रहना, अब काम वहीं मिल रहा है भाई, तो वहीं रहना है। अच्छा।